के महात्मा गांधी जी स्वागत करें। अब मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई अजय कुमार लल्लू जी से मैं चाहूंगा कि बहन प्रियंका गांधी का स्वागत करें और संबोधन करें। बहन प्रियंका जी का आप जानते हैं कि जो संघर्षों की धनी है, जिन्होंने सड़क से लेकर सदन तक लगातार जनहित के मुद्दों पर लाठी खाई है, जेल गई है, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, ऐसी महबूब नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आप सबके बीच में हैं। मैं गाजीपुर के ऐतिहासिक धरती पर आपका स्वागत अभिनंदन नमन और वंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। मैं बोल रहा था कि ये सरकार जब से आई है तब से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, लूट हत्या डकैती इस प्रदेश की पहचान बनी हुई है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। आपको याद होगा जब टेट की परीक्षा हुई थी 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी उस टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने गए थे, भूखे प्यासे रात भर रेलवे स्टेशन, बसों के स्टेशन, अन्य जगहों पर जाकर रात बिताई। उन्होंने सोचा कि कल सवेरा होगा, हम टेट की परीक्षा देंगे और दूसरे दिन जब हमारा रिजल्ट निकलेगा तो हम शिक्षक पात्रता सूची में हमारा नाम आएगा और हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेरा, उनके साथ विश्वासघात किया और टेट की परीक्षा का पेपर आउट होता है और जो नौजवान परीक्षा में बैठा होता है उसे उस रोजगार से वंचित होना पड़ता है, उसे टेट की परीक्षा से वंचित होना पड़ता है। ऐसी ये सरकार है कि जिस सरकार में बिहार के विधायक का भाई खुद उसमें इन्वॉल्व होता है और यह सरकार बार बार कहती है जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आपको याद होगा अयोध्या में श्री राम न्यास ट्रस्ट के द्वारा किस तरह लाखों की जमीन को खरीद कर करोड़ों रुपया में मंदिर के नाम से दिया गया, कितना बड़ा घोटाला उस मंदिर बनाने के नाम पर इस सरकार द्वारा संचालित ट्रस्ट द्वारा उन लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। उत्तर प्रदेश जहां लूट हत्या डकैती और बलात्कार का प्रदेश बना हुआ है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े कब किसकी हत्या हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। साथियों, ये वीरों की धरती है, यहाँ का चीनी मिल जो बरसों से बंद है, जो कांग्रेस की जमाने में स्थापित हुआ और उस कांग्रेस की जमाने में स्थापित चीनी मिल, इस सरकार ने उस चीनी मिल का धुआं उड़ा दिया। वो चीनी मिल बंद है, किसानों का बकाया वैसे ही पड़ा हुआ है, जहां इस सरकार ने कहा था कि बंद चीनी मिलों को चलाएंगे, जहां इस सरकार ने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, लेकिन इस सरकार ने किसानों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात करने का काम किया। हम कहना चाहते हैं बुनकर सबसे बड़े पैमाने पर है और बुनकरों के साथ जिस तरह का घात और विश्वासघात इस सरकार ने किया है, ऐसे समय में आपको इनको सबक सिखाने की जरूरत है। मैं आपसे सिर्फ दो सवाल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। यह उमड़ी हुई जनसैलाब है और यह जनसैलाब इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं आपसे यह विनती आग्रह निवेदन के साथ पूछना चाहता हूं, जरा मेरे सवाल का जवाब देंगे? देंगे? आप उत्तर प्रदेश में लड़ने वालों के साथ है कि पीठ दिखाने वालों के साथ है? आवाज नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में लड़ने वालों के साथ है कि पीठ दिखाने वालों के साथ है? तो जरा आप हाथ उठाकर बताइए आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर कमजोर बेरोजगार किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलिए कौन लड़ रहा है?
और चुनाव कौन लड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में केवल चुनाव लड़ने ये सपा बसपा के लोग आए हैं, लेकिन जमीन पर आपके लिए लाठी खाने वाले, जेल जाने वाले, आपके साथ सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, महिलाओं की रक्षा करने वाले, किसानों के लिए लाठी खाने वाले, बेरोजगारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का नाम प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी है। तो ये आपको तय करना है कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की माताएं, उत्तर प्रदेश की बहनें किसके साथ जाएंगी, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। तो निश्चित तौर से आपको आने वाले 7 तारीख को हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हाथ का पंजा जिंदाबाद। मैं इस क्षेत्र के विधायक के प्रत्याशी भाई सुनील राम जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस उमड़ी हुई जनशाला के सामने अपने वाणी को वाणी से समृद्ध करें। आज इस शहीदी धरती को मैं प्रणाम करता हूं, यह परमवीर चक्र विजेता रामुग्रह पांडे की धरती है। यह धरती परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की धरती है। इसलिए इस बहरियाबाद, इस सादियाबाद और जखनिया विधानसभा के लोग बहादुर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, इस माटी को प्रणाम करता हूं कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब है इस जखनिया और गाजीपुर के लोग जिनका लहू भी इस देश के काम आता है, जिनका लहू भी इस देश के काम आता है। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने बहना का कि जिन्होंने हाथ रस में अगर किसी दलित बिटिया का अगर आंसू पोंछने का काम किया, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम किया, तो बहन प्रियंका गांधी जी ने किया। मैं स्वागत करता हूं बहन प्रियंका गांधी का अगर इलाहाबाद में किसी पासवान और दलित के ऊपर जो अत्याचार और जो नरसंहार हुआ था, अगर उसकी कोई लड़ाई लड़ा इस दलित समाज की, तो बहन प्रियंका गांधी ने लड़ा। मैं इनका अभिनंदन और वंदन करता हूं इस जखनिया के विधानसभा की सरजमी पर हमारे संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी का भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं बाजीराव खाड़े साहब का भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने लगातार मेहनत किया। आदरणीय हमारे राहुल राजभर जी हैं, तमाम मंच पर बैठे हुए नेता हमारे सतीराम सिंह, जयराम सिंह और जो है हमारे देव नारायण सिंह सहित तमाम मंच पर जो बैठे लाल साहब यादव, अमिताभ अनिल दुबे जी, डॉक्टर मार्कंडे सिंह, सफी कामत और जो भी हमारे नेता है मनोज जी, मैं सबका खैर मकदम करता हूं। और खास करके मैं इस जनता को देवतुल्य जखनिया की जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि मैं सुनील राम एक मोची के नाती का बेटा हूं। एक जो है हमारे बाबा स्वर्गीय कुनकुन राम यही मटेहू चट्टी पर 25 साल तक जूता सिए और जूता सीने के बाद वो हम लोगों के अपने बच्चों का भरण पोषण किए। मेरे पिताजी एक मजदूर थे, मजदूरी करते थे और मेरी माता लोगों को कटिया बिनिया करके मजदूरी करके लाती थी, तो शाम को भोजन बनाती थी तो हम खाते थे। मेरे कहने का मतलब है मेरे साथियों कि बहन प्रियंका गांधी ने जिस तरह इस दलित के बेटे को, जिस तरह इस दलित के बेटे को टिकट दे करके सम्मान बढ़ाया है, मैं आपका जखनिया के जनता के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से जखनिया की जनता का प्यार मोहब्बत मिल रहा है। बहुत देर से जखनिया की जनता आपको सुनने के लिए बेताब है, लेकिन हे जखनिया के भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस मोची के नाती को, इस दलित के बेटे को 7 मार्च को हाथ के पंजे वाली बटन दबा करके और भारी मतों से विश्वास मान हमारी नेता प्रियंका गांधी को देना कि जब 10 तारीख को बूथ खुलेगा तो जखनिया विधानसभा से सुनील राम जीत का हासिल करेगा। साथियों मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जिस तरह यह दलित का बेटा है आपके बीच में आप ताकत देंगे, जिस तरह बहन प्रियंका गांधी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से बहन प्रियंका गांधी पूरा या जखनिया विधानसभा के लोग उनके आजीवन आभारी हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, हे हमारे मालिकों, आप तो मेरे बगीचे का माली है, मैं तो आपके बगीचे का माली हूँ, आप तो मेरे मालिक हैं, मैं तो आपका सेवा करूंगा।
इसी कड़ी में मैं अपना बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बहन प्रियंका गांधी जी का पुनः जो है खैर मकदम करता हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ और देवतुल्य जनता को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आज हमारी लोकप्रिय नेता बहन प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आवे और हम जनता जनार्दन को समर्थित करने का समय। बहन प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन प्रियंका जिंदाबाद। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, काफी समय से आपने इंतजार किया धूप में, आपके लिए आपको मैं यहाँ इस सभा में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। श्री अजय लल्लू जी, श्री बाजीराव खाड़े जी, श्री अजिताभ अनिल दुबे जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री लाल साहब यादव जी, श्री गिरीश गर्ग जी, श्री जयराम सिंह जी, श्री राहुल राजभर जी, पार्टी के सभी नेतागण जो मंच पे उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्तागण, आप सबका भी सभा में बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ हमारे प्रत्याशी श्री सुनील राम जी, श्री अजय राजभर जी, श्री लोटन राम निषाद जी, श्रीमती सीमा देवी जी और फरजाना खतून जी, आप यहाँ खड़े हैं मंच पर, आप सबका भी यहाँ इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ये मेरी आखिरी सभा है जिसमें मैं आप सबसे कुछ बातें कर सकती हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित कर रही हूँ। इसके बाद आप लोग पोलिंग में जाएंगे, चुनाव में आप अपना निर्णय लेंगे और एक नई सरकार आपके प्रदेश में बनेगी। 3 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उस समय कुछ बड़े नेता मेरी पार्टी में ही, जो आज तकरीबन सारे के सारे पार्टी छोड़ गए हैं, वो मेरे पास आए अलग अलग से। उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा अरे यहां से निकल जाइए, यहां उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला, यहां क्या करने आई है, यहां तो संघर्ष ही संघर्ष है, यहां कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नेतृत्व से बात करिए, आपको यहां से निकाल के कहीं और भेजने। मैंने अपने भाई से बात की जब उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया। मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में क्या है। मेरे भाई राहुल गांधी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा देखो प्रियंका, तुम उत्तर प्रदेश जाओ, कितना भी संघर्ष हो तुम काम करना शुरू करो और याद रखो, ये कभी मत भूलो कि तुम्हारा एक ही काम है कि जहां जहां दुख है, जहां जहां पीड़ा है, वहां जाकर जनता के साथ, जनता के मुद्दों के लिए कंधा से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ो। मैं आपके बीच आई, सोनभद्र में 13 आदिवासियों का नरसंहार किया गया था, मैं वहां गई। एक लड़का रामराज गोंड था वहां, वो सब आदिवासियों के परिवार के सदस्यों को मेरे पास लाया। मुझे पता चला कि जिस तरह से नरसंहार हुआ है, पुलिस प्रशासन ने भूमाफिया की मदद कर दी,
लेकिन आदिवासियों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद उन्नाव में एक महिला का बलात्कार हुआ बहुत बुरी तरह से, उसको फिर मार डालने की कोशिश की गई। उन्नाव में एक और महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसको जला दिया गया। हाथरस में एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे जलील किया गया और उसके परिवार पर दबाव डाला गया, उसकी चिता को बगैर उसके माँ बाप की प्रस्तुति की मौजूदगी के जला दिया गया। आगे लखीमपुर खेरी में 6 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप के नीचे कुचल डाला, फिर से पुलिस और प्रशासन ने मदद नहीं की। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में उस किसान के घर गई जो खाद की लाइन में खड़े खड़े जिसकी मृत्यु हो गई थी। बारिश आई थी बहुत समय बाद, उसने सोचा अच्छी उपज हो जाएगी, खाद वितरण केंद्र में चला जाता हूँ, खाद मिल जाएगी। 2-3 लाख का कर्ज था, उपज हो जाएगी, उसको बेचकर मैं कर्ज चुका दूंगा। लाइन में खड़े खड़े 2 दिन बीत गए। घर आने से डर लग रहा था कि मैं लाइन छोड़ दूंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी। खड़े रहे, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, खड़े खड़े मृत्यु हो गई। मैं उनके घर गई, उनकी बेटी सविता ने मुझे यूं पकड़ के मुझसे पूछा कि दीदी ये मेरे पिता के साथ क्यों हुआ, हमने क्या गलती की थी कि हमारे साथ ये क्या हुआ। जब लखीमपुर खेरी गई तो एक किसान की विधवा ने मुझे कहा कि दीदी हम क्या करेंगे, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारी मदद अब कौन करेगा, कमाने वाला तो चले गया, पुलिस और प्रशासन हमें घेर रखी है, हम पर दबाव डाल रही है। रमन कश्यप वहां एक पत्रकार था, उसकी भी हत्या हुई थी। उसके भाई, उसके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली ढंग की, कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उन पर भी प्रशासन दबाव डाल रहा था। आस्ते आस्ते ऐसे हादसे होते गए। अरुण वाल्मीकि के साथ आगरा में उसके परिवार के साथ 18 सदस्यों को पकड़ के पुलिस हिरासत में ले गई, उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा के उनको इस बेरहमी से पीटा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके ससुर जी के नाखून निकाल दिए, उसके भाई के हाथों के ऊपर कुर्सी रख के उनको दबाया, उसकी हर हड्डी तोड़कर उसको मार डाला गया। मैं ये हादसे देखती रही, आपके पास बार बार आती रही, जहां जहां अन्याय दिखता था मेरी पार्टी ने आवाज उठाई, हमने आंदोलन किया, कुछ कार्रवाई करवाई। मैं इस तरह से आपकी हम सफर बन गई, आपका संघर्ष मेरा संघर्ष बन गया। और मैं समझने लगी कि उत्तर प्रदेश में बहुत गलत हो रहा है, बहुत गड़बड़ है, यहाँ की राजनीति कहीं भटक गई है, ये क्यों हो रहा है। ये सवाल मेरे मन में बार बार उठता था कि ये कैसे हो गया कि ये प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश में, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन है, आज खाई में है, कैसे हो गया। बार बार मैं ये सवाल पूछती रही अपने आप से। फिर मैंने देखा कि यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं, यहाँ के राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा जनता के सामने क्या क्या मुद्दे उठा रही है। ये देखा कि बसपा सिर्फ जाति की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी एक जाति और धर्म की बात कर रही है, भाजपा धर्म और राष्ट्रवाद की बात कर रही है। यहां समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, भर्तियों में घोटाला है,
परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, एग्जाम कैंसिल होते हैं, कट ऑफ चेंज होता है, उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं, चार चार पांच पांच साल इंतजार करते हैं। मैं किसी गांव में जाती हूं, किसी शहर में जाती हूं, नौजवान मेरी बांह पकड़ लेते हैं, कहते हैं दीदी मदद करो, हमारी तो उम्र ही निकल गई, हम नियुक्ति की इंतजार में हम ठहरे रहे, पांच साल निकल गए, नियुक्ति नहीं हुई। दूसरी तरफ मैं देखती हूं कि सरकार में 12 लाख पद खाली हैं, जहां से रोजगार आना है वहां से रोजगार देने का कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है, बल्कि सारे मंत्री आपके सामने, प्रधानमंत्री जी आपके सामने आकर कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं आपकी समस्याएं क्या हैं, कि अचानक चुनाव के समय उनको मालूम पड़ गया कि उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टे जानवर की समस्या है। इससे पहले तो उनको मालूम ही नहीं था। सरकार चला रहे हैं, देश में प्रदेश में तमाम जानकारियां हैं, आपको ये नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश का किसान कितना परेशान है, आपके रोजगार खाली पड़े हुए हैं, सरकार में आप दे नहीं रहे हो, भर्तियों में भ्रष्टाचार है आप दुरुस्त नहीं कर रहे हो, मेरी बहनें महंगाई का सामना कर रही हैं, आप एक राशन का पोटला पकड़ा रहे हो, इनको क्या होगा उस राशन के पोटले से, आप निर्भर कर रहे हो इनको ताकि ये आपका धन्यवाद दें। आप मंच पे खड़े होकर कह रहे हो कि इस जनता ने आपका नमक खाया है, ये कह रहे हो, ये हैं उत्तर प्रदेश के नेता, देश के नेता। जो सोचते हैं कि एक बोरा राशन पकड़ाकर आपको उस राशन पर निर्भर बनाकर आपसे वोट लेकर सत्ता में रहेंगे लेकिन आपको सशक्त करने की बात नहीं कहेंगे, महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, ताकि आप कभी अपने पैरों पे खड़े न हो, ताकि आप हमेशा के लिए सोचें कि ये जो बोरा राशन मिलता है आपको, ये एक बहुत बड़ा एहसान हो रहा है आप पर। इसी तरह से नौजवानों, इन नेताओं को सब मालूम हो गया है, ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वोट और सत्ता धर्म और जाति के आधार पर इनको मिलेगी, इसीलिए आपको कभी नौकरियां नहीं देंगे, आपको कभी रोजगार नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक निर्भर रहोगे, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, तब तक आपके जज्बात, आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी नाराजगी का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर पाएंगे, तब तक आपको बहकाना बहुत आसान होगा। हर माँ बाप को मालूम है, मेरी बहनें, अगर आपके पास 25-30 साल का बेटा होगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब तक व्यस्त रहता है, शिक्षा में व्यस्त है, रोजगार मिलता है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक सही रहता है। जब बेरोजगार हो जाता है, घर पे बैठा रहता है, निराशा होती है, नाराजगी होती है, तब कोई भी उसको बहका के कुछ भी काम करा सकता है उससे गलत, आप जानती हैं। तो आपकी तरह इस प्रदेश के नेता भी जान गए हैं, वो जान गए हैं कि आपको गरीब रख के, आपको निर्भर रख के अपनी नीतियां को ये सफल बना सकते हैं। और इनकी नीति क्या है समझ लीजिए, गहरी बात कह रही हूं मैं, इनकी नीति यही है कि आपको गरीब रखेंगे। आप अगर सारी इनकी नीतियां देखें, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को देखिए, GST लाए, नोटबंदी लाए, आपको कहा राष्ट्रवाद के लिए लाइन में खड़े हो जाइए, आपने आप अपने राष्ट्र के प्रति आपने सोचा, आप कर्तव्य निर्भा रहे हैं, आप लाइन में खड़े हो गए, आपके कारोबार खत्म हो गए, कोई काला धन नहीं आया इस देश में, काला धन नहीं आया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ नहीं हुआ, उनके कारोबार चल रहे हैं, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी पिस गया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक लॉकडाउन हुआ, बड़ा उद्योगपति
वो तो अभी भी फूल फल रहा है, लेकिन लॉकडाउन से जो छोटे दुकानदारों को, छोटे उद्योगपतियों को जो नुकसान हुआ, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से किसानों को लीजिए, तो इनकी नीति क्या थी, नोटबंदी, ये सब लॉकडाउन, जीएसटी, बड़े बड़े उद्योगपति का फायदा हुआ, छोटे उद्योगपति पिस गए। अब किसानों को लीजिए, किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके लिए कुछ नहीं किया, उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आज आपको यहाँ 1100-1200 रुपए मिलते हैं धान और गेहूं के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2500 दे रही है इसी गेहूं और धान के लिए। आपको गन्ने के लिए 350 रुपए अभी बढ़ाए इन्होंने चुनाव के समय, कांग्रेस की सरकार 400 रुपए देगी। जितनी भी नीतियां किसानों के लिए ये लाए, किसान खड़ा नहीं हो पाया। किसान की मेहनत, किसान का खून पसीना और फायदा उठाए बड़ा उद्योगपति, उनके जो काले कानून थे वो क्या थे? यही तो थे कि कल को कड़ा कोई उद्योगपति आपकी जमीन का कब्जा करे, आप डीएम तक नहीं जा सकते उसके फैसले के लिए। कोई छोटा मोटा मोटा अधिकारी फैसला करेगा, जिसे वो बड़ा उद्योगपति कभी भी कितनी भी घूस दे के कर लेगा अपना फैसला। आपको तो ये अधिकार भी नहीं दिया कि अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए आप कचहरी जा पाए। ये थे वो कानून जिसके लिए 700 किसान शहीद हुए, और इस सरकार ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, बाहर निकले तक नहीं प्रधानमंत्री उनसे बात करने के लिए। वही प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया घुमाए, वही राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि दुनिया भर में देश का झंडा ऊंचा करेंगे, तो अपने देश के किसानों का क्या करूंगा? अपने देश के किसानों के लिए कौन बोलेगा? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि आप दुनिया घूमे 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाजों में, लेकिन जो गन्ने का बकाया है 14,000 करोड़ का, आपने वो नहीं दिया किसानों को? कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि किसानों को आपके मंत्री के पुत्र ने कुचल डाला, और आप उसी मंत्री को अपने मंच पर खड़ा करते हैं आपके साथ, उससे इस्तीफा नहीं मांगा, उसके बेटे को जमानत दिलवा दी, उसको रिहा करवा दिया? कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि इस देश की आधी आबादी, इस देश की सारी महिलाएं एक तरफ, और आपने सिर्फ इनके लिए 2 चीजें की, एक खाली गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और एक बोरा राशन पकड़ा दिया। लेकिन इनको शिक्षित करने के लिए, इनको रोजगार दिलवाने के लिए, इनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आपने कोई स्कीम नहीं बनाई। कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि तमाम नौजवान आर्मी में भर्ती की तैयारी किए और आपने उसमें भी घोटाला किया? कैसा राष्ट्रवाद है कि जो नौजवान सीमा पर लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो? कैसा राष्ट्रवाद है ये? ये सब समझ गए हैं। ये देखिए, ये खोखली बातें हैं, ये विज्ञापनों के लिए राष्ट्रवाद, धर्म, जाति की बातें हैं, ये राजनीतिक मंचों के लिए है ये बातें, इसमें गहराई नहीं है। ये सब समझ गए हैं बहनों, ध्यान से सुनो, ये सब समझ गए हैं कि धर्म की बात करके आपका वोट मिल जाएगा। ये सब समझ गए हैं, दशकों से चल रही है ये परंपरा उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आज ये प्रदेश, जिसने हमेशा इस देश को दिशा दिखाया था, पीछे चले गया है। अराजकता बढ़ गई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चढ़ती चली जा रही है, और कोई नेता उसको रोकने की बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ पुराने जमाने का कोई दोष निकाल रहा है कि अरे ये इसलिए हुआ क्योंकि 70 साल पहले ऐसा हुआ था। जहां से रोजगार निकलना था, जो बड़ी संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में बनाई थी, BHEL, HAL, रेलवे, NTPC, ITI, नाम लीजिए,
सबको आपने बेच डाला, अपने अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को, उन्हीं को, उन्हीं दो लोगों को बेच डाला। और आप रोजगार की बातें कर रहे हैं कि आप रोजगार देंगे, कहां से देंगे? भर्ती तो आप करा नहीं रहे हैं। छोटे दुकानदार, किसान, छोटे व्यापारी जो रोजगार देते थे उनको आपने खत्म कर डाला। बड़ी बड़ी संस्थाएं आपने बेच डाली, तो कहां से देंगे रोजगार? और आज के दिन में जो सरकार रोजगार नहीं देती है वो अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कह सकती, क्योंकि ये नौजवान ये अगली पीढ़ी है, ये इस देश का भविष्य है, ये इस देश की जमीन से जुड़े हुए पुत्र और पुत्रियां हैं। इनको अगर मजबूत नहीं किया तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। अगर आप इनको कमजोर रखने की साजिश कर रहे हैं ताकि ये आप पर निर्भर रहें और आप इनसे अपना स्वार्थ साधें, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी होने के लिए, इस देश के लिए अपना खून देने के लिए तैयार होना चाहिए। और राष्ट्रवादी होने के लिए जिन शहीदों ने अपना खून दिया इस देश के लिए, उनको गाली देने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए अगर कोई कहता है कि वो राष्ट्रवाद है। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे रहे हैं आज, जो उनकी शहादत पे सवाल उठा रहे हैं। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं, इनको पहचानिए। 3 साल से मैं यहां काम कर रही हूं, मैंने पहचान लिया कि यहां में राजनीति में क्या हो रहा है। आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए, अपनी सत्ता साधने के लिए। ये सब जानते हैं कि आपके सामने आकर काम की बात करने की जरूरत ही नहीं रही। आपने आदत बिगाड़ डाली। आप सोचिए, घर में एक बच्चा है, आपने पढ़ाया लिखाया खूब मेहनत से, उसके लिए आपने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, उसको खाना दिया, सब कुछ दिया। अब बड़ा हो रहा है, काम ढूंढने के लिए निकलता ही नहीं, घर पे बैठा रहता है आलसी। उल्टा आपको कहता है कि मुझे मोबाइल फोन दिलवाओ, कहीं से जुगाड़ करके आप मोबाइल फोन भी दिलवा देते हैं। फिर कहता है, अरे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, पिताजी को डांट देता है, नखरे करता है, कहीं से जुगाड़ करके पिताजी उनको मोटरसाइकिल भी पकड़ाए देते हैं। तो क्या बनता है उस बच्चे का, उसको क्या कहते हैं? निकम्मा है कि नहीं? निकम्मा बना दिया माँ बाप ने, कुछ कर नहीं रहा है, घर पे बैठा है, जो चाहता है आप किसी ना किसी तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके पकड़ा देते हो, है ना? और वो बैठा है, उसको मालूम है मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं जाके क्या नौकरी ढूंढूंगा, कमाऊंगा, माता पिता तो दे ही रहे हैं, लेते जाता हूं, घर पे बैठता हूं, उसको मालूम है। अब यही हालात आपने उत्तर प्रदेश की सारी पार्टियों के नेताओं की कर दी है, निकम्मा बना दिया है। आपने उनको यह समझा दिया है कि काम मत करो, हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, यहां धर्म की बात, राष्ट्र की बात, जाति की बात हम मान लेंगे, हम आपको मसीहा बना देंगे, हम आपको भगवान बना देंगे, आपको वोट मिल जाएगा, आप 5 साल सत्ता में रहो, हम खाई में रहेंगे। यही तो समझा दिया आपने इनको। अरे मैं आपको बताना चाहती हूं, मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे, मैं उनके साथ जीप में बैठ के जाती थी, खुद जीप चलाते हुए वो गांव गांव में जाते थे, गांव में प्रेम बहुत मिलता था, जो भी मिलता था, गरीब से गरीब हो, उनको घर में ले आता था, कुछ खाने को देता था, बिठाता था, राजीव भैया कहते थे उनको, लेकिन कोई उनको छोड़ता नहीं था। पूछते थे, अच्छा भैया ये सड़क आपने बना तो दी,
लेकिन इसमें अब गड्ढे आ गए हैं। आपने बिजली के खंभे तो लगवा दिए, तार कब आएंगे? भैया हमारी पाठशाला जो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कराइए। इसमें तो अध्यापक ही नहीं आ रहे हैं, कभी कभी डांट भी देते थे कि भैया वापस मत आना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ये परंपरा थी आपके प्रदेश की कि देश का प्रधानमंत्री गांव गांव घूमता था, आपकी समस्याओं को पूछता था और आप उसको डांटते थे। ये थी आपके प्रदेश की परंपरा। आप समझिए, समझिए कि लोकतंत्र को किस तरह से पलट दिया है इन्होंने, कि आज प्रधानमंत्री मंच पे ही आते हैं, दिखते हैं तो चुनाव के समय या टीवी पर, और जब आते हैं तो आपसे कहते हैं कि आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने, एक बुरा राशन पकड़ा दिया, आपने खाता खोल दिया, ये 500-600 रुपए भेज दिए, 2000 रुपए भेज दिए, बहुत बड़ा एहसान। खुद कहते हैं कि जनता ने मोदी जी का नमक खाया है, हमने टोका तो बदल दिए, दो दिन में बदल दिए, लेकिन अंदर की बात तो पहले निकल ही चुकी थी, मानसिकता तो दिख गई थी। अब आप सब ने मानसिकता बदल डाली है, ये परंपरा बदल डाली है। आज नेता सोचता है कि वो उसको उखाड़ने वाला जनता में कोई नहीं है। आज नेता समझ गया है और जनता को गुमराह कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको बदलेंगे कैसे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी देश में ऐसे राजनीति आगे बढ़ती चली जाए? क्या आप चाहते हैं कि नेता समझे कि भैया हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है? तो क्या चाहते हैं? तो बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव लाने का हथियार लोकतंत्र ने आपको दिया है कि नहीं दिया है? क्या दिया है बताइए, क्या है? वोट है। तो ये वोट आंख मूंद के क्यों दे रहे हैं? अरे ये मंदिर में जाके आप चंदा थोड़ी चढ़ा रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं। ये वोट आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आंख मूंद के नहीं देते। नेता को भगवान नहीं बनाते, नेता भगवान नहीं है, इंसान है। और इंसान, इंसान को अगर बेलगाम सत्ता दे दो, अगर इंसान को ये बता दो कि तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं है, तो उसकी मानसिकता एकदम खराब हो जाती है। वो समझने लगता है कि सत्ता उसकी है, वो भूल जाता है कि जनता ने दी है, उधार में आई है, उधार में दी है आपने, वापिस ले लो, वापिस ले लो, ब्याज के साथ लो। जो परेशानियां आपको दी हैं, जिस तरीके से आपको त्रस्त किया है, परेशान किया है, संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हो, उसको बदल डालो, सबक सिखाओ इनको, सब पार्टियों को सबक सिखाओ कि बगैर विकास की बात किए आप सुनेंगे ही नहीं। आपको रोजगार चाहिए, मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है 20 लाख रोजगार दिलवाएगी, कैसे? खोखले वादे नहीं है कि इन्होंने कहा 70 लाख देंगे, 4 लाख नहीं दिए। हम कह रहे हैं 12 लाख सरकारी खाली पद पहले हम भरेंगे, फिर हम कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि 8 लाख रोजगार और बनाएंगे। कैसे? किसानों को सशक्त करके, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सशक्त करके। आप जैसे नौजवान अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहें, आपको सरकार 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे देगी। आपकी भर्ती की प्रक्रियाएं जो धूमिल हो चुकी हैं, उनको पारदर्शी बनाएंगी। कैसे बनाई जाएंगी? एक टाइम टेबल कैलेंडर होगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपने परीक्षा दी, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होगी। और अगर इसमें किसी ने भ्रष्टाचार किया तो एक कानून लाएंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जहां हुनर है वहां हुनर के लिए सारी सुविधा मिलेगी। जैसे बनारस में साड़ियों का है, मुरादाबाद में पीतल का है, आगरा में किसी और चीज का है, वहां पे सुविधा पूरी दी जाएगी, खास तौर से नौजवानों की, को कि आप अगर उस
हुनर को लेकर कुछ बनाना चाहें तो सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। किसान भाइयों और बहनों के लिए पहले भी कर्ज माफ किया था कांग्रेस ने, फिर से माफ करेगी, पूरा कर्ज माफ होगा। सब की बिजली बिल आधी कराएंगे और जिसका कोरोना का सबसे बकाये से बिजली के बकाये से जिसकी कमर टूट रही थी उसका बकाया साफ किया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ में गेहूं और धान 2500 में मिल रहा है वैसे आपको भी मिलेगा गन्ना 400 का। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छुट्टे जानवर की समस्या सुलझाई गई है कि जनता को कहा कि आप छुट्टे पशु को अपने घर में रखिए, इसका देखभाल करिए, सरकार आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी, मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, सुलझा दी समस्या। आप 5 सालों से जूझ रहे हैं, वहां 2 सालों के अंदर अंदर समस्या खत्म। जनता घर में जानवर को रख रही है, सरकार गोबर खरीद रही है 2 रुपए किलो के भाव पे, गोबर की गोबर गैस बन रही है, खाद बन रही है, उससे किसानों की सुविधा हो रही है, बात खत्म। यही हम उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। उसी तरह से बहने आपको 1 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलता है, 3 ले लीजिए हम देंगे, मोबाइल फोन मुफ्त देंगे छात्राओं को, स्कूटी मुफ्त देंगे छात्राओं को, लेकिन सबसे जरूरी काम ये करेंगे, आपको सशक्त करेंगे। आपके लिए सरकारी रोजगार 8 लाख रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे। पुलिस में 4 में से 1 भर्ती महिलाओं की होगी। आपके लिए सारी बस की यात्राएं मुफ्त होंगी, जहां भी जाएं आप यहां से सरकारी बस की यात्राएं सब मुफ्त होंगी। और मैं भूल गई बताना नौजवानों, जो भर्ती की परीक्षाएं हैं वो सारी मुफ्त होंगी, कोई फीस नहीं होगी उसके लिए। आपकी सेहत के लिए हर जिले के अस्पताल में महिला डॉक्टर, महिला नर्स और अलग से महिलाओं के लिए कमरा बनवाया जाएगा। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी जो महिला हैं वो बढ़ाए जाएंगे जैसे मैंने कहा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पर अत्याचार हो और कोई FIR दर्ज करने से मना करे तो 10 दिन के अंदर अंदर उसका सस्पेंशन होगा। इस तरह से कांग्रेस पार्टी तमाम ऐसी योजनाएं बनाना चाह रही है और बनाए हैं दूसरे प्रदेशों में जिससे आप सशक्त हो, जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उनमें से आप बाहर निकलकर अपनी रोजी रोटी कमा पाए, उससे ज्यादा कमा पाए, अपने परिवारों की परवरिश कर पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए। ऐसी नीतियां होनी चाहिए सरकार की। जब नियत सही होती है तो बहुत काम हो सकता है बहनों और भाइयों। तो अब निर्णय आपको लेना है, 2 दिन में चुनाव है, निर्णय आपको लेना है कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलना चाहते हैं कि नहीं। 5 साल और आपका प्रदेश इस खाई में रहे तो आपकी कमाई खत्म हो जाएगी। आपके ये सारे तमाम बच्चे जो यहां खड़े हुए हैं जिनका हक है रोजगार, लोकतंत्र में संविधान में हक है कि आपको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, आपको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलने वाली सरकारें जो आपको धर्म जाति और बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बात करके गुमराह करती हैं, इनसे सवाल पूछिए कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक ये सिलसिला चलता चले जाएगा। और अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ा नुकसान आप ही का होगा, नेता का नुकसान नहीं होता है नुकसान। इन परिस्थितियों में जब वो जान जाता है कि कुछ भी कर ले, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाकर वो आगे बढ़ सकता है तो उसका नुकसान नहीं होता, बार बार सत्ता में आता है, जनता को गरीब रखता है, गुलाम रखता है ताकि वो फूले फले, वो सत्ता में रहे, उसके उद्योगपति बड़े बड़े मित्र फूले फले।
तो ये बात आप समझ लीजिए, आपको निर्णय करने की जरूरत है। जहां तक मेरी बात है, मैंने तो निर्णय ले लिया है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे कोई भी नतीजा आए इस चुनाव में, चाहे आप कोई भी निर्णय लें, जब तक आपके प्रदेश में, जब तक इस उत्तर प्रदेश में जो मेरी पूर्वजों की धरती है, ये मेरे पूर्वजों का खून मिला हुआ है इस देश की धरती में, जब तक इस जमीन से एक सही, एक नई और एक सच्ची राजनीति उभर कर नहीं आएगी, तब तक मैं आपके साथ संघर्ष करती रहूंगी, आपके लिए लड़ती रहूंगी और आपके प्रदेश के लिए लड़ती रहूंगी। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, यह निर्णय मैंने ले लिया है। अब 2 दिन बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इसी के साथ साथ मैं भाषण समाप्त करती हूं, आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। मेरी आशा और उम्मीद है कि हमारे तमाम प्रत्याशियों को, श्री सुनील राम जी को, श्री अजय राजभर जी को, श्री लोटन राम निषाद जी को, श्री श्रीमती सीमा देवी जी को, श्रीमती फरजाना खतून जी को आप भारी से भारी मोहम्मद से जिताकर अपने प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। अच्छा, ज्ञान प्रकाश जी का नाम बोलना भूल गए, ज्ञान प्रकाश जी भी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।